हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं हरबीर सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। साथियों, मॉर्निंग न्यूज़ में मैं आज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट खबरें लेकर आया हूं, जिनका आप वेट कर रहे होंगे। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी। तो आज की खबरों में मैं आपको DSSB की कुछ अपडेट दूंगा, इसके बाद कुछ न्यू रिक्रूटमेंट है वो बताऊंगा, और इसके बाद DSSB से जुड़ी हुई कुछ और खबरें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। NCERT के बारे में आप सभी जानते होंगे, NCERT, तो इसमें कुछ वैकेंसीज निकली हैं। वैकेंसीज किस प्रकार है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले 5 सहायक संपादकों की वैकेंसी निकली है, इसके बाद 5 संपादकीय सहायकों की भर्ती निकली है, वैकेंसी निकली है, इसके बाद 2 इसमें प्रूफ रीडरों की वैकेंसी निकली है। टोटल इसमें 12 वैकेंसीज हैं, और जो साथी अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप NCERT की जो साइट है वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। और इसमें क्या है, खुला साक्षात्कार, मतलब ओपन इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू दे सकता है, और कौशल परीक्षा, आपका जो स्किल टेस्ट भी होगा इसमें। जो साथी अप्लाई करना चाहते हैं वो NCERT की जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे जा सकते हैं, विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद साथियों, बात करते हैं DSSB की। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि DSSB के रिजल्ट के लिए कोई स्टेप लिया जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं DSSB रिजल्ट देने में बहुत डिले कर रहे हैं। तो हमने कल बताया था आपको कि अगर यही प्रक्रिया चलती रही तो एक स्टेप लिया जाएगा। तो कल कुछ ऐसे अनवांटेड कमेंट्स आए थे जिनकी मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, और शायद आप लोगों को भी बहुत बुरा लगेगा, मुझे भी बहुत बुरा लगा कल वो। तो एक बंदा था, उसके 1-2 कमेंट आए थे कल, जो मैंने कहा था कि हो जाइए तैयार रिजल्ट के लिए, कुछ ऐसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको पता होगा। तो साथियों, उस पर उनका कमेंट आया था, कुछ अब्यूज कर रहे थे उसमें, कुछ ऑफेंसिव वर्ड थे जो बहुत बुरा लगा कल। तो मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि वो लोग क्या चाहते हैं। इससे साबित ये होता है कि वो लोग आपके रिजल्ट के खिलाफ हैं, वो लोग आपके रिजल्ट के खिलाफ हैं। हालांकि मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन आप टेंशन ना लें, मैं सभी के साथ हूँ, NTT वाले हों, स्पेशल वाले हों, या PRT वाले हों, सभी के साथ हूँ। और सभी का रिजल्ट लाना एक जिम्मेदारी बन गई है अब, क्योंकि आप लोगों का एक विश्वास है, और मैं कोशिश करूँगा कि उस पर खरा उतरूँ, जितना मुझ पर पॉसिबल होगा मैं पूरी कोशिश करूँगा, आप टेंशन ना लें। TGT, PGT जितने भी रिजल्ट हैं, सभी के लिए जितना हमसे पॉसिबल हो सकता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग सहयोग करें। लेकिन बहुत दुख हुआ, जो कमेंट थी कुछ अब्यूजिव वर्ड थे, तो मतलब बहुत दुख हुआ वो कमेंट देख के। तो मैं ज़्यादा उन्हें डीपली नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन उन साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि आपकी मेंटेलिटी उस कमेंट के जरिए दिख गई कि आपकी सोच क्या है, आप बच्चों को क्या पढ़ा सकते हैं। इससे साबित होता है कि अगर आप टीचर भी बन गए तो आपकी मेंटेलिटी क्या है। और मैं पक्का बोल रहा हूँ, 99% वो साथी जरूर 30 वाली शिफ्ट से होंगे। तो इससे साबित होता है कि उनकी मेंटेलिटी क्या है, जिसने कमेंट किया वो क्या पढ़ा सकता है बच्चों को। तो ये साथी आपके रिजल्ट के खिलाफ हैं, तो बहुत दुख हुआ, आप भी अपनी राय जरूर बताएं। और मैं बता देना चाहता हूं कि जिसने वो कमेंट किया बहुत गलत था, और वो रिजल्ट के बिल्कुल खिलाफ था। लेकिन मेरे साथ जो मेरे साथी हैं, जिनके हक के लिए हम लड़ रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। तो साथियों, आप भी जरूर उनको कमेंट करके बताएं अगर वो देखे बाद में। इसके बाद कुछ साथियों के कल कमेंट आए थे कि सर जल्दी ही कोई स्टेप लिया जाए रिजल्ट के लिए। तो मैंने उनको क्लियर बोल दिया, मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि 26 जनवरी से पहले कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा, मतलब 26 जनवरी से पहले कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा। आपको बता देता हूं कि हमारी नौकरी से पहले
हमारे लिए देश है। देश से बड़ी हमारी नौकरी नहीं है। आपको पता है 26 जनवरी आने वाली है और आपको पता है कि सुरक्षा इंतजाम होते हैं देश के लिए, और हम जाके वहां पे थोड़ा हंगामा करें, धरना दें, चिल्लाए जाके वहां पे, तो इस टाइम क्या होता है कि देश विदेश से भी लोग आते हैं और ये चीजें फिर हाईलाइट हो जाती हैं। वो लोग क्या कहेंगे कि देश की जो राजधानी है वहां पे लोग इतने दुखी हैं, तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। 26 जनवरी के बाद रिजल्ट नहीं आता है तो आपको डेट बता दी जाएगी और स्टेप लिया जाएगा जरूर अगर रिजल्ट नहीं आते हैं। तो साथियों 26 जनवरी के बाद जो भी कुछ होगा आपको बता दिया जाएगा, और बहुत सारे लोग आपके रिजल्ट के खिलाफ भी होंगे, वो सोच रहे होंगे कि ये लोग ना जाएं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया जो कमेंट में आया, वो लोग सोच रहे होंगे कि इनको अब्यूज करके, मतलब एंग्री करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज भी आप लोगों के साथ हूं और आप लोगों का साथ यूं ही बना रहे। तो साथियों उम्मीद करता हूं आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।